मेरे यहाँ से निकला बहुत सर के ऊपर से इतना ये तार टूटी पड़ी रहो इतनी सारी यहाँ पे दो बार मैं बच गया था वहां पे। तब देखते हैं टीवी जब दूध पीते हैं बच्चे और हमारा देखो अपनी ही वीडियो देख के दूध पीता है। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज काफी दिन के बाद घर से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एक तो हमारा चैंप सो रहा है इसलिए धीरे में बोल रहा हूँ, फिर भी डर लग रहा है उठना जाए। अभी भी 4:30 बजे उठ गया, 15-20 मिनट परेशान करने के बाद जब जाके सोया है। तो अभी मैं रेडी कर रहा हूँ अपना प्री वर्कआउट मील, 5:30 बज गए, थोड़ा सा लेट हो गया जिम जाने के लिए। तो फटाफट से अपनी 3 अंडे की ऑमलेट, बाकी ब्रेड और होते तो मज़ा आ जाता, ब्रेड भी है नहीं घर में, ये तो रस से रस्क क्या बोलते भाई, 2 केले हो जाएंगे और 3 अंडे की ऑमलेट आज के प्री वर्कआउट मील की। और आज रहने वाला अपना बैक का वर्कआउट, चिड़िया आवाज कर रही है पीछे से मस्त। तो फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं पहले। आज और दिन की अपेक्षा सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए मैंने अपर पहन लिया है। एक चीज़ और, काफ़ी दिन के बाद एक अच्छा बैग लिया है मैंने, इसके अंदर काफ़ी सारी जेबें कभी कभी कन्फ्यूज कर देती हैं। ये मसल ब्लेज का नया वाला बैग है जो भी आजकल चल रहा है ट्रेंड में, काफ़ी सारे यूट्यूबों पर आपने देखा होगा, तो मैंने ये भी कल ही लिया है, वैसे फ्री का नहीं है तो कोई मांगना मत। तो निकलते हैं फटाफट से, चलिए। तो जब से साहिल गांव गया है तब से मैं स्प्लेंडर ही चला रहा हूँ, समझ रहे हो क्यों, माइलेज का चक्कर भाव भैया, माइलेज का चक्कर। 250 रुपये में ना 3-4 दिन 5 दिन आराम से चल जाती है, और मेरी वाली 250 रुपये में सिर्फ 2 दिन चलती है। तुम्हें लेट आयो आज विदाउट एनी पेड प्रमोशन, ये चेक करें। अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस प्री वर्कआउट के साथ, भाई क्या ही स्ट्रेंथ देता है, क्या ही पंप देता है। बट हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, बट चीज़ बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 स्कूप क्रिएटिन, दोनों को मिक्स करेंगे और ये बन गई अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो फटाफट से पीते हैं, चलते हैं, लगाते हैं बढ़िया सा वर्कआउट। I just need to know what's on your mind. ओट्स भी खत्म हो गए थे, ओट्स ले लेते हैं फटाफट से। कितने रुपए किलो है? 90। काफ़ी दिन से ओट्स खत्म हो गए थे, डेली डेली भूल जाता था ले जाना, आज फाइनली ले लिए। चलो चलते फटाफट। तो ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, 11 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। काफ़ी दिन के बाद आज ओट्स और अंडे खा रहा हूँ मैं, मतलब अंडे भी जिंदा हो ही गए लगभग। ए बेटू तुम खाओगे? खाओगे तुम? हाँ ओ हाँ। क्या चाहिए? सब देखते हैं टीवी जब दूध पीते हैं बच्चे, और हमारा देखो अपनी ही वीडियो देख के दूध पीता है। खुद अपनी वीडियो मोबाइल में देखेगा फिर चम्मच से दूध पीता रहेगा, खुद ही कार्टून है ना इसलिए। सो गाइस चलो चलते हैं सप्लीमेंट स्टोर, बाबू जी हमें छोड़ने गए, 12 बज गए, मतलब गोदी में रह जाता है कि अब लेके चलो मुझे। ऑटो जी लो साहिल बॉस भी आज वापस आ जाएंगे, निकल गए वहाँ से, शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे प्रेम नगर, तो भी उन्हीं की गाड़ी फिर उन्हें हैंड ओवर कर देंगे, फिलहाल लेके चलते हैं। सही भाई माइलेज बहुत कमाल का देती है, कुछ भी कहो, चाबी का खोदी मैंने इसकी। बाकी देखो यहाँ पे गन्ने के रस की दुकान खुल गई अपने घर के पास।
अभी हो गया अपने लंच का टाइम, तो ये अपना लंच सब्जी रोटी और दही, तो ये फटाफट से अपना लंच कर लेते हैं। दो बज चुके हैं, वैसे बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, अभी दो तीन सर्टिफिकेट और लग जाएंगे ना तो और सही लगेगा दिखने में। तो फटाफट से अपना लंच करते हैं, फिर 3:30 बजे मोटो जी और चैंप को लेने के लिए घर भी जाना है, क्योंकि साहिल तो लेट आएगा 9 बजे तक रात में, अभी मेरी उससे बात हुई। तो आज के लिए मोटो जी को और लेके आऊँगा, फिर कल से तो साहिल अपने 4 बजे ड्यूटी पे आ ही जाएगा। तो फटाफट से लंच करते हैं। तूफान नहीं आया से, देखा तार टूटा पड़ा है। प्लेन नगर से ना पेट्रोल पंप से पूरा तार टूटा हुआ है और दुर्गा मंदिर तक बिखरा पड़ा हुआ, दो बार बच गया उसमें। तो पूरा खींच दिया इतने दूर तक। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है, देख रहा है साला, हुआ क्या समझ नहीं आ रहा है। ये भी टूटा पड़ा है, दुर्गा मंदिर पे टूटा पड़ा था, हुआ क्या आज? ये तार टूटी पड़ी थी इतनी सारी, यहाँ पे दो बार मैं बच गया था वहां पे, हुआ क्या ये? एक तो मेरी आवाज बैठ गई, पूरे तार तोड़ दिए उसने, ये टूटे पड़े थे वो, और ये हो क्या यार, ये ऐसा क्या लेके गया था ट्रक? सही में बड़ा अजीब था। और रास्ते में पेड़ के जो पत्तियां ना वो टूटी पड़ी, डाली टूटी पड़ी, तार टूटे पड़े। एक तो मतलब एक तो सही था, मेरे यहाँ से निकला बहुत सर के ऊपर से, इतना ऊंचे ऐसे लहरा पड़ता था, पता नहीं क्या लेके गया ट्रक वाला, पूरा नुकसान करता चला गया। अगर कोई स्पीड में हूं ना तो देख भी ना, भाई ठोक गया है।